कोविड संक्रमण की दूसरी लहर का असर शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते संक्रमितों में कई प्रकार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने जो लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर लौट रहे हैं उन्हें लॉन्ग कोविड का भी खतरा बन रहा है। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि कोरोना का संक्रमण रोगियों के हृदय को प्रभावित कर सकता है। कोविड के हृदय पर होने वाले प्रभावों को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो जिन संक्रमितों में हृदय रोगों का निदान होता है उन्हें लॉन्च के दौरान ही खून को पतला करने वाली दवाइयां और इंजेक्शन दे दी जाती हैं। इसके अलावा जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, कोरोना के कई रोगियों को पल्स रेट कम होने की शिकायत हो रही है। ऐसे रोगियों को भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। कोरोना की पहली लहर में इस तरह के मामले नहीं देखने को मिल रहे थे, लेकिन वायरस के म्यूटेशन के बाद नए स्ट्रेनों ने रोगियों में हृदय रोग की समस्याओं को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अगर रोगियों की पल्स रेट अचानक 25 से 30 के बीच पहुंच जा रही है, ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें इस बारे में हार्ट एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। अब तक ऐसे कोई भी मामले देखने को नहीं मिल रहे हैं जिसमें पल्स रेट कम होने के कारण रोगियों को कोई गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा हो। बता दें कि कोविड की रिकवरी के साथ स्टार्टिंग में ये समस्या भी दूर हो जाती है।